तो वहीं डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और टीएनसीसी प्रमुख के सेल्वो पेरुनाथा गई ने एआईसी नेताओं केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार की मौजूदगी में सीट शेयरिंग के समझौते को अंतिम रूप दिया। 2019 के अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को दोहराते हुए तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को राज्य में 9 और पड़ोसी पुडुचेरी में 1 सीट दी। इसके बाद वेणुगोपाल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीटों और पुडुचेरी में 1 और सीट चुनाव लड़ेगी। शेष पार्टी पर हम द्रमुक और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और हम तमिलनाडु की सभी 40 सीटें जीतेंगे।